वेल लोग कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत होंगे। तो यार जैसे कि आपको पता है, आज जो फ्राइडे पे मार्केट हमारी बंद हुई थी वो हुई थी 40,150 लूज करके बंद हुई। बट थ्रू आउट द डे देखा जाए तो मार्केट खुली कितने पे थी, 40,276 एंड मार्केट ऊपर कितनी गई थी, हाई 420 का इसने हाई लगाया था, 93 मिलियन का वॉल्यूम था। थ्रू आउट द डे अगर आप चार्ट पे देखो तो मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर थी। उसके बाद फाइनली मार्केट में ऐसा क्या हुआ कि मार्केट डाउन चली गई। तो ऑब्वियसली आपको भी पता है ना, मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ ना आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में न्यूज़ कब आने वाली है, कौन सी न्यूज़ आने वाली है, क्या होने वाला है। तो मार्केट में फाइनली एक न्यूज़ आई, उसकी वजह से मार्केट में एक बड़ा लाइक आप समझें कि सेलिंग प्रेशर आ गया। बट स्टिल जो मार्केट है हमारी वो अभी भी अपनी सपोर्ट के एज पे खड़ी हुई है। अगर उस सपोर्ट को सस्टेन कर लेती है तो मार्केट एक बड़ा मूव दे सकती है। अभी भी वो न्यूज़ कौन सी थी जिसकी वजह से मार्केट में एक बड़ा सेलिंग प्रेशर आया, तो वो न्यूज़ थी S&P। आपको भी पता होगा S&P डाउनग्रेड्स आउटलुक ऑन पाकिस्तान लॉन्ग टर्म रेटिंग्स टू नेगेटिव। जैसे पहले मूडीज़ का था, फिच का था, उसके बाद फिर से S&P 500 जो है उसने जो पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज है उसको फिर से डाउनग्रेड कर दिया टू नेगेटिव। पहले पॉजिटिव था, पहले न्यूट्रल था, बट अभी नेगेटिव कर दिया। जब भी इमरान खान की गवर्नमेंट थी उस वक्त न्यूट्रल था, अभी नेगेटिव हो गया। जैसे ही नेगेटिव हो गया, ऑब्वियसली अमेरिका का ये इंस्टीट्यूट है, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, जैसे ही ये रेटिंग करता है तो उसकी वजह से बहुत बड़ा एक सेलिंग प्रेशर आता है मार्केट के अंदर। उसकी वजह से ही मार्केट, जैसे ही न्यूज़ आई मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर फिर से बिल्ड हो गया। उसके बाद फिर से आखिर में जब ही मार्केट बंद हो रही थी 4:15 बजे थोड़ी बाइंग आई थी एंड मार्केट ने अपनी सपोर्ट को सस्टेन कर लिया। बट थ्रू आउट द डे देखा जाए तो मार्केट वैसे टेक्निकली पॉजिटिव थी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, अगर वो बिल्ड होती है, कुछ भी न्यूज़ आ जाती है तो उसका हम ना आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ना मैं कर सकता हूँ, ना कोई और कर सकता है, क्योंकि जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होती है या न्यूज़ होती है उसको किसी को नहीं पता होता। बट मार्केट उसका बता देती है कि भाई अभी मैं नीचे जाने वाली हूँ। तो न्यूज़ का आपको ख्याल रखना है, उसको देख के ही आपको ट्रेड लेनी है। 3 से 4 स्टॉक्स है जिसको मैं आज एनालाइज करूँगा। मार्केट पे आते हैं उससे पहले व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जो ऑब्वियसली कल से शुरू हो रहा है, मंडे से, तो मैंने आपको नंबर दे दिया, आप कॉन्टैक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द गुड रिटर्न। तो आते हैं मार्केट के ऊपर। तो अगर आप मार्केट देखोगे तो लास्ट टाइम हमने एनालाइज करा था इस जगह के ऊपर, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद ये फ्राइडे की मार्केट है, फ्राइडे में मार्केट ऊपर गई थी बट सडनली न्यूज़ के बाद एक बड़ा सेलिंग प्रेशर इसमें बिल्ड हो गया। बट फाइनली जो मार्केट की सपोर्ट थी वो थी 40,072 से 40,130। मार्केट उससे ऊपर ही क्लोजिंग, मार्केट ने उससे ऊपर ही क्लोजिंग दी। आखिरी जो 3:30 से 4:30 का जो टाइम था उसमें मार्केट ने 127 पॉइंट्स गेन करे एंड पॉजिटिव क्लोज दी आखिरी घंटे के अंदर। तो ट्रेड कहाँ पे कर सकते हैं, मैं आपको सीधी बात बताऊँगा। सीधा अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, आप लाइक क्या स्विंग पे ऊपर जाना चाहते हैं, तो सिंपल मैं अगर आपको बताऊं तो ये जो हाई बना हुआ है 40,400 का, अगर मार्केट कल इसको तोड़ देती है, खुलते ही तोड़ देती है या 3:15 बजे तोड़ती है या 1 घंटे के बाद 11:30 12 बजे तोड़ती है, जिस भी टाइम पे मार्केट इसको तोड़ती है हम बाय कर लेंगे, बहुत बड़ी बाइंग कर सकते हैं। या आपके पास ऑलरेडी IT सेक्टर जैसे या सीमेंट सेक्टर आपके पास अगर होल्डिंग में है तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं। बट अगर फॉर एग्जांपल मार्केट इसको सस्टेन नहीं कर सकती, कोई न्यूज़ आ जाती है, कुछ भी होता है, अगर आप देखो तो मार्केट अभी पॉजिटिव ही है, आपकी सपोर्ट के ऊपर है, बट कोई न्यूज़ आ जाती है, कुछ भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, मार्केट में नेगेटिव प्रेशर आ जाता है, तो 40,072 की आपको सपोर्ट को याद रखना है। अगर मार्केट ने इससे नीचे की क्लोजिंग दे दी आपको सेल कर देना है अपनी जो होल्डिंग है। बट इससे ऊपर मार्केट पॉजिटिव है, मैंने आपको पहले ही बताया मार्केट 3 बार रिटेस्ट कर चुकी है, फाइनली ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकआउट के बाद अभी रिटेस्ट कर रही है। रिटेस्ट में अगर पास हो जाती है तो 40,420 का लेवल हमें याद रखना है। इस लेवल को अगर क्या कह सकते हैं ब्रेकआउट करती है तो उसके बाद हम 41,000 या 40,800 से 900 के बीच तक जा सकते हैं, जिसको मैं आपको लास्ट टाइम कवर कर चुका हूँ, आपको एनालाइज कर चुका हूँ कि 40,900 से 800 का जो लेवल है दैट इज़ मेजर एंड हम यहाँ तक आ सकते हैं तकरीबन 40,900 से 800, 41,000 तक भी कोई जा सकता है, बट 800 इज़ द सेम लेवल जहाँ तक हम स्विंग ट्रेड कर सकते हैं, एक बड़ा मार्जिन हमें मिल सकता है। बट 40,400 का आपको लेवल याद रखना है, इसको अगर क्रॉस करती है मार्केट तो आराम से मार्केट एक बड़ा मूव दे सकती है एंड मार्केट में जो नेगेटिव प्रेशर आया गया था वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो सकता है। बट अभी भी एक हिसाब से सेंटीमेंट की बात की जाए तो मार्केट अभी भी अपने जो ब्रेकआउट लेवल है, जो ब्रेकआउट दिया था जहाँ से 40,770 से, उससे ऊपर है। यहाँ पे आप देख सकते हो 40,000 से जो क्लोजिंग दी है 167 की दी है, तो उससे ऊपर है मार्केट अभी भी। तो ऑब्वियसली आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर रिगार्डिंग द मार्केट। अभी आते हैं स्टॉक्स के ऊपर। तो सबसे पहला स्टॉक, पहले मैं IT सेक्टर को एनालाइज करता हूँ, उसके बाद आते हैं। तो कल हमने
थर्सडे वाले दिन हमने एनालाइज करा था टीआरजी को। मैं आपको फिर से एनालिसिस देता हूँ टीआरजी की। तो आपको मैंने बताया था कि जो टीआरजी है पहले भी पॉजिटिव था, फिर से पॉजिटिव हो गया एंड इसने अपनी जो हॉरिजॉन्टल ये वाली रेजिस्टेंस है इसको तोड़ दिया एंड एक बड़ा इसने मूव दिया। शुरू में ही खुलते ही अगर हम देखें तो इसमें अपर लो लग गया था। तो अभी टीआरजी का क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है इसमें, नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या हो सकती है? यहाँ तो दो चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ अगर आप देखो, पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अगर आप देखो एक बार दो बार तीसरी बार इसने आके अपनी जो रेजिस्टेंस थी कौन सी 89.50 की, इसको इसने तोड़ दिया। ठीक है, मैंने आपको कल ही बताया था कि पॉसिबिलिटीज़ हैं, आपको क्या कह सकते हैं, वेट करना है क्लोजिंग का। क्लोजिंग में अगर ब्रेकआउट आ जाता है आपको होल्ड करना है, नहीं आता तो आपको मैंने टारगेट दिया था ये वाला कि आपको टारगेट पे आके बुक करके निकल जाना है। तो अगर आप देखो तो इसने ब्रेकआउट दिया, एक बड़ा ब्रेकआउट दिया, क्योंकि ये वाली कैंडल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। मार्क जो टीआरजी है बहुत टाइम से कंसोलिडेट कर चुकी थी। EMA 50 भी मैंने आपको लगा के दिखाया था कि EMA 50 भी बहुत ज़्यादा अभी इसको सपोर्ट दे रहा है। तो ऑब्वियसली टीआरजी ने अभी ब्रेकआउट किया 89.50 का, 49 या 50 का आप राउंड लेवल ले लो। एंड लास्ट टाइम अगर हम देखें तो इसी का इसने ब्रेकआउट करके रिट्रेस करा था, एक बड़ा मूव दिया था, ये आप देख सकते हो साइड में। यहाँ पे थोड़ा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, जूम आउट करके, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया था, इसने एक साथ रिट्रेस करा था, एक बड़ा मूव दिया था 89.50। तो क्या हो क्या सकता है? यहाँ तो टीआरजी कल अगर खुलते ही टीआरजी में एक घंटे के बाद टीआरजी में अपर लो लगता है तो आप वेट कर सकते हैं। आपका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 104.55 का। बट जब भी मार्केट में या टीआरजी के अंदर या किसी भी स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट होता है तो रूल क्या है कि हमेशा उसको रिट्रेस करेगा। यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाऊं, इसने जब भी तोड़ा उसके बाद क्या हुआ, रिट्रेस करा, वापस आया। ऐसे नहीं कि लाइक क्या कह सकते हैं, सीधा ऊपर चला गया, सीधा ऊपर नहीं गया। इसने पहले इसने ब्रेकआउट दिया, उसके बाद फिर से ये रेड कैंडल आपको दिख रही है, उसके बाद फिर से इसने ग्रीन कैंडल बनाई, रिट्रेस करा एंड फिर इसने ब्रेकआउट दिया ऊपर की तरफ से। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो लाइट ने उसने ब्रेकआउट दे दिया है। अभी हमें यह चीज़ देखनी है कि ये इसको रिट्रेस करता है या डायरेक्ट जाता है। अगर डायरेक्ट जाता है तो अपर लॉक लग सकता है, ऑब्वियसली इसमें रिजेक्शन नहीं आ सकती। शुरू में ही इसमें अपर लॉक लग जाएगा एक घंटे के अंदर, आपको वेट करना है। अगर अपर लॉक लग जाता है तो आपको वेट करना है। अगर अपर लॉक नहीं लगता फिर क्या कर सकते हैं? ऑब्वियसली जो लोगों ने यहाँ पे ख़रीदा हुआ है, यहाँ पे ख़रीदा हुआ है इवन, वो तो बोलेंगे कि भाई प्रॉफिट बुक करें थोड़ा बहुत ज़्यादा। तो मैं आपको फिबोनाची लेवल्स लगा के दिखाता हूँ एंड आपको बताता हूँ आपको प्रॉफिट कहाँ बुक करना है एंड प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं। अगर टीआरजी में अपर लोक नहीं लगता तो आप क्या कर सकते हैं? तो आपको मैं सिंपल बताता हूँ, ये दो लेवल्स हैं, इसको आपको याद रखना है। यहाँ से ये रिजेक्ट हो सकता है, अगर अपर लोक नहीं लगता तो फिर यहाँ से ये रिजेक्ट होगा, उसके बाद फिर से इस लेवल जहाँ से ब्रेकआउट करा इसको रिटेस्ट करेगा, उसके बाद फिर से ऊपर जाएगा। तो सिंपल जो फर्स्ट लेवल है वो है 95.26। अगर टीआरजी कल ऊपर खुलता है, ऑब्वियसली ऊपर ही खुलेगा क्योंकि अपर लोक में, अगर इसमें अपर लोक नहीं लगता तो 95.26 की जो लेवल है या 95 की राउंड लेवल ले लो, ये जो लेवल है आपको यहाँ पे देखना है। अगर यहाँ पे रिजेक्शन होता है, यहाँ पे ये रिजेक्ट होता है, रिजेक्ट जैसे होते हैं रिजेक्ट होता है तो आपको यहाँ पे अपना जो प्रॉफिट है वो बुक कर लेना है। अगर रिजेक्ट नहीं होता तो आपको होल्ड करना है क्योंकि अपर लोक पे जा सकता है। बट मेरा ख्याल है, देखते हैं, मेरा ख्याल यही है कि जो रूल जो है टेक्निकल एनालिसिस का वो यही है कि जब भी ब्रेकआउट देता है स्टॉक्स तो उसके बाद अपर लोक क्या कह सकते हैं, उसके बाद रिजेक्ट होता है एंड उसके बाद रिटेस्ट करता है, रिटेस्ट करने के बाद फिर ऊपर जाता है। बट अगर मैं आपको दोनों ही कंडीशन बता दी, अगर ऊपर चला जाता है अपर लोक तो आपको होल्ड करना है, अगर नहीं जा रहा रिजेक्ट हो रहा है तो आपको क्या करना है, 95 या 95.26 के ऊपर आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। 50% करो, 70% करो या फुल करो, वो आपकी मर्ज़ी है। बट उसके बाद फिर से रिजेक्शन आ सकती है, नीचे आ सकता है, उसके बाद ही हम यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट लेवल है इस जगह पे हम बाइंग करने के सोचेंगे एंड यहाँ पे हम बाइंग करके ऊपर जाएंगे। तो आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। सेकंड स्टॉक जो है डेट इज़ एवियन। तो एवियन सिंपल, मैं आपको एवियन थोड़ा मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ। तो एवियन को जो लास्ट जो इसका सपोर्ट लेवल था वो क्या था, यहाँ पे आते हैं। तो लास्ट जो सपोर्ट लेवल था जहाँ से एवियन मल्टीपल टाइम्स अगर आप देखो तो एक बड़े मूव दे चुकी है, वो क्या था, वो था 78.98, जहाँ से ये मल्टीपल टाइम्स लास्ट टाइम अगर हम देखें तो लास्ट तकरीबन एक साल से दो साल से जो एवियन है यहीं पर ही ट्रेल कर रही थी, यहीं पर ही इसकी सपोर्ट को सस्टेन करके ऊपर जा रही थी। तो एवियन का जो लेवल है 78.98 उसको एवियन ने ब्रेकआउट कर दिया है। सबसे पहले आते हैं एवियन पे, मैं आपको पहले ही बता दूं, यहाँ पे अगर आप लाइक फ्राइडे वाली कैंडल देखेंगे तो 78.98 को उसने क्रॉस कर दिया एंड 79.6 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी। अगर EMA की बात की जाए तो EMA पहले इसको रिजेक्ट कर रही थी, बट अभी ये EMA इसकी सपोर्ट बन गई है। तो इसका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा, एक चीज़ याद रखना, हम प्रॉफिट कब बुक करते हैं, हम प्रॉफिट तब बुक करते हैं, वैसे तो टारगेट आता है बट उसके बाद भी हम हमेशा इस चीज़ का वेट करते हैं। जो भी स्विंग ट्रेडर है वो इस चीज़ का हमेशा वेट करता है कि भाई
कि जो कैंडल है वो क्लोजिंग दे दे, क्लोजिंग दे देती है, उसके बाद ही हमें श्योरिटी आ जाती है कि भाई इसके बाद क्या कह सकते हैं हमें बुक करना है या हमें होल्ड करना है। तो आपको हमेशा याद रखना, 4 घंटे या 1 घंटे के ऊपर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कल आपको क्लोजिंग का वेट करना है। अगर क्लोजिंग 81.72 से ऊपर की आ जाती है तो आप लॉन्ग जा सकते हैं बहुत ज़्यादा, बट वैसे अगर हम एंड पॉसिबिलिटीज़ हैं कि 81.72 को क्रॉस कर ले, बट 81.72 इसका टारगेट है, जिसने भी यहाँ पे लिया हुआ, यहाँ पे लिया हुआ, यहाँ पे लिया है, तो वो 81.72 पे बुक कर सकता है, जो सेफ टारगेट है। बट अगर आप देखते हो मार्केट पॉजिटिव है एंड ये ब्रेकआउट कर लेता है 1 घंटे पे या 4 घंटे पे 81.72 को, तो आप इसको होल्ड भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये ब्रेकआउट कर सकता है, इसको एक बार, दो बार एंड तीन बार आप देखें तो इसी लेवल को रिटेस्ट कर चुका है, पाँचवीं बार ही आया है, अगर चौथी बार आया है सॉरी चौथी बार में अगर ये, क्योंकि आईटी सेक्टर पॉजिटिव है तो चौथी बार में प्रोबेबिलिटीज ये भी हैं कि 81.72 को तोड़ दे, अगर तोड़ देता है तो आप लॉन्ग जा सकते हैं एक तकरीबन 91 के लेवल तक, जो इसका लास्ट सपोर्ट था, यहाँ पे आप देख सकते हो इसका लास्ट सपोर्ट था, यहाँ तक भी ये जा सकता है 91 तक। बट आपको मार्केट को देखना है मार्केट कैसी है, आपको इस चीज़ का वेट करना है कि 81.72 तक आता है, जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 81.72 है, जिसने भी यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया, जिसने भी लिया है उसका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 81.72 होगा। अगर इससे ऊपर की क्लोजिंग दे देता है 3:15 बजे तक या 9:30, 10 बजे, 11:30 बजे, 12:30 बजे, कभी भी दे सकता है, अगर दे देता है तो आप ऊपर भी जा सकते हैं 91 तक, आप जो सेकंड टारगेट होगा वो 91 होगा, जो भी लॉन्ग जाना चाहता है। अगर नहीं जाना चाहते तो 81.70 तक आप अपना प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं, बट आपको वेट कर रहे हैं इस चीज़ का कि अगर हमें क्लोजिंग मिल जाती है 81.72 की, दैट इज़ अ ग्रेट क्लोजिंग अगर मिल जाती है, तो उसके बाद ये स्टॉक भी एक ब्रेकआउट दे सकता है, ऊपर की तरफ से जा सकता है, एंड यहाँ से मल्टीपल 3 से 4 बार ये रिटेस्ट कर चुका है तो ब्रेकआउट भी दे सकता है। एंड अगर आप इसका वॉल्यूम देखोगे तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बड़ा वॉल्यूम है, लास्ट टाइम ये जो वॉल्यूम बना था वो तकरीबन जून में बना था, उससे पहले भी ये बड़े जो वॉल्यूम बने थे ये जब भी कोरोना का टाइम था तब बने थे, तो लास्ट अभी ये जो वॉल्यूम बना है ये भी हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें बता रहा है कि ये बड़ा मूव दे सकता है, तो वॉल्यूम भी पॉजिटिव है। EMA अगर 50 देखेंगे वो भी पॉजिटिव है, प्लस जो इसकी फर्स्ट रजिस्टर थी 78.98 उसको भी इसने तोड़ दिया है, तो आपको सिर्फ वेट करना है 81.72 से ऊपर ही क्लोजिंग देता है, अगर देता है तो आपको होल्ड करना है, अगर नहीं देता तो आप इसी पर ही अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बट इट डिपेंड्स अपॉन द मार्केट, मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर रिगार्डिंग दिस थर्ड जो है स्टॉक, दैट इज़ नेटसॉल। तो नेटसॉल को लास्ट टाइम हमने इस जगह पे, मैंने आपको प्रूफ भी दिखाया था, इस जगह पे हमने बाय करा था, एंड उसके बाद हमारा जो टारगेट था वो अराउंड 105 से 106.54 का था, जो अल्टीमेट टारगेट था। अगर हम देखें नेटसॉल पहले, तो अगर हम देखें नेटसॉल नीचे के चला गया था, उसके बाद W पैटर्न बनाया, एंड फाइनली जो इसका फर्स्ट रिजिस्टेंस था जहाँ पे जो फर्स्ट टारगेट बुक हो सकता था, जिन्होंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिया था, तो वहाँ पे वो ये इस फर्स्ट टारगेट के ऊपर ये क्या कह सकते हैं प्रॉफिट बुक कर सकते थे। बट ऑब्वियसली मैंने फिर आपको बताया, पहले भी बताया कि हम हमेशा वेट करते हैं कैंडल क्लोजिंग का, तो अगर आप देखो तो कैंडल क्लोज कहाँ पे हुई है, वो ये अराउंड 98.78, इसको ये जो फर्स्ट इसका रेजिस्टेंस था उसको इसने ब्रेकआउट कर दिया, ब्रेकआउट करने के बाद अगर आप देखोगे तो ये एसेंडिंग ट्राइंगल बना हुआ है, थोड़ा मैं आपको जूम आउट कर देता हूं, तो एसेंडिंग ट्राइंगल बना हुआ है मिड लेवल के ऊपर, उसको भी इसने ब्रेकआउट कर दिया, प्लस में वॉल्यूम देखो तो वॉल्यूम बहुत बड़ा वॉल्यूम बना हुआ है। एंड एक चीज़ अगर आपने न्यूज़ सुनी हो नेटसॉल के अंदर, बहुत ज़्यादा जो उसके कंपनी के डायरेक्टर्स हैं या नेटसॉल खुद कंपनी जो है वो अपने शेयर्स बाय बैक कर रही है, खुद से ले रही है, तो ये भी एक न्यूज़ हो, ये भी एक वजह हो सकती है नेटसॉल का ऊपर जाने। बट टेक्निकली आपको मैं बताऊं तो उसने ब्रेकआउट दिया 96.26 का, इसका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो फर्स्ट टारगेट रहेगा अराउंड 104.66, जो इसका लास्ट टारगेट था जहां से इसने बड़ा मूव दिया था डाउन साइड, बट जो सेकंड टारगेट रहेगा वो रहेगा 106.54। ये दोनों ही टारगेट्स को आपको क्या कह सकते हैं, आपको वेट करना है इनका, इसने ब्रेकआउट दे दिया है, ज़रूरी नहीं है जब भी ब्रेकआउट दे तो ये डायरेक्ट ऊपर जाए, ये रिटेस्ट करने के बाद भी ऊपर जा सकता है, बट डिपेंड्स अपॉन द मार्केट, अगर मार्केट ज़्यादा पॉजिटिव रहती है तो ये ऊपर चला जाएगा, आराम से चला जाएगा। तो आई होप द कंसेप्ट इसके लिए, जो फर्स्ट टारगेट है हमारा वो क्या है 104.66, जो सेकंड टारगेट है हमारा वो 106.54 का टारगेट है, एंड ये दोनों टारगेट्स अचीव कर सकता है आराम से, बिकॉज इट्स वेरी मच बुलिश, एंड इसने जो फर्स्ट इसका रिजल्ट था उसको भी इसने ब्रेकआउट कर दिया है। EMA की बात की जाए तो EMA भी पॉजिटिव है। तो आई होप द कंसेप्ट इज़ क्लियर रिगार्डिंग दिस 3 और 4 स्टॉक्स, जो 3 स्टॉक्स जो मेन स्टॉक्स थे IT सेक्टर्स के, जो ज़्यादा वेटेज क्रिएट करते हैं। एक और स्टॉक है सिस्टम, बट वो बहुत बड़ा स्टॉक है, ओबियसली वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो है वही इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए मैं उसकी एनालिसिस नहीं दे रहा। फाइनली आते हैं यूनिटी के ऊपर, तो यूनिटी की थोड़ा मैं पीछे चला जाता हूँ, तो यूनिटी का जो फर्स्ट रेजिस्टेंस था
ये वाला रेजिस्टेंस था इसका, जहाँ से यूनिटी लास्ट टाइम रिजेक्ट हुई थी, क्या कह सकते हैं, कोरोना की बात है ये 2020 की। मैं आपको सिंपल पुराना पैटर्न दिखा देता हूँ, तो अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम 21 सितंबर 2020 यहाँ पे एक बड़ी डोजी बनी थी, उसके बाद इस यूनिटी ने एक बड़ा करेक्शन दिखाया था, फिर उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया था। तो ये जो 18.53 का लेवल है, इट्स मेजर लेवल। अगर अभी आए यूनिटी के ऊपर, तो यूनिटी ने ये वाला जो लेवल है इसको ब्रेकआउट कर दिया है। पहले भी यहाँ से इसने सपोर्ट सस्टेन, यहाँ पे ये आया था सपोर्ट सस्टेन नहीं करी थी एंड नीचे आ गया, बट अभी अगर हम देखें तो इसने ब्रेकआउट कर दिया है। किस लेवल को? 18.53, जो लास्ट मेजर रेजिस्टेंस थी उसको इसने ब्रेकआउट कर दिया है। नो डाउट ये ऊपर जब भी गया तो यहाँ पे रेजिस्ट हुआ था, उसके बाद फिर से इसने पुल बैक लिया एंड ब्रेकआउट कर दिया। वॉल्यूम की बात की जाए तो वॉल्यूम बहुत पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली जो यूनिटी है, ऐसे मैं आपको नहीं कह सकता कि डायरेक्ट ऊपर जाएगा, बट स्टिल इट्स वेरी मच पॉजिटिव। एक बड़ा इसमें कैंडल पॉजिटिव बना हुआ है 2.46%, वॉल्यूम बहुत कमाल का, एंड प्लस में इसका जो मेन रेजिस्टेंस था 18.53 या 18.50, ऑब्वियसली एक नंबर नहीं होता, एक जोन होता है, तो 18.50 का जो जोन है वो इसने तोड़ दिया एंड उससे ऊपर की इसने क्लोजिंग दिए थे। तो इसमें जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं ऊपर जाने की, वो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज़ हैं। प्लस में अगर आप देखो तो इसने W बनाया हुआ है, ये जो ट्रेंड लाइन वाला W है वो बनाया हुआ है। सिंपल मैं आपको यहाँ पे क्रिएट करके दिखाता हूँ, यहाँ पे नीचे आया उसके बाद ऐसे करके इसने W बनाया, W बनाने के बाद जो रेजिस्टेंस है उसको भी इसने तोड़ दिया है। तो अगर आप लाइन चार्ट पे देखोगे तो आपको सिंपल नज़र आएगा ये W, यहाँ पे आप W देख सकते हैं, एंड लाइन चार्ट का जो रेजिस्टेंस है वैसे रेजिस्टेंस जो है वो 18.50, उससे ऊपर की इसने क्लोजिंग दिए। तो आए देर आर 90% प्रोबेबिलिटीज अगर मार्केट पॉजिटिव रहती है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, स्टॉक्स पॉजिटिव है, ओवरसोल्ड पोजीशन पे ब्रेकआउट दे चुके हैं, अगर मार्केट पॉजिटिव रहती है। मार्केट का आपको याद रखना है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा न्यूज़ आ रही है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, बहुत अगर न्यूज़ आ जाती है तो आपको निकल जाना है, अगर न्यूज़ नहीं आती मार्केट सपोर्ट सस्टेन कर लेती है जैसे मैंने आपको बता दिया, तो ये स्टॉक्स जो है बहुत बड़ा मोमेंटम दिखा सकते हैं, हिसाब से ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा करेक्ट कर चुके हैं, ओवरसोल्ड हो चुके हैं, तो ऑब्वियसली जो इनकी जो लास्ट सपोर्ट्स हैं या लास्ट जो इनकी रिजिस्टेंस है सॉरी वो इनको क्या कर सकते हैं, रीटेस्ट कर सकते हैं। तो इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 20.80 का होगा, जहाँ से ये रीटेस्ट करने के बाद इसने करेक्ट करा था, एंड जो सेकंड टारगेट होगा वो 20.35 या 20.50 का हो सकता है, जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। अगर उससे ऊपर ही क्लोजिंग आती है तो हम जाएंगे ऊपर, नहीं आई थी, उसके बाद अगर आप देखो तो रीटेस्ट करा है नीचे आ गया। तो फर्स्ट टारगेट होगा 20.81 का, सेकंड होगा 21.35 का। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, ज़रूरी नहीं है ये ऊपर डायरेक्ट जाए, ये रीटेस्ट करने के बाद भी जा सकता है। तो ऑब्वियसली आपको पता है स्टॉक जो है वो वेव्स के फॉर्म में आते हैं, ऐसे नहीं जाते ऊपर, हमेशा वेव्स के फॉर्म में नीचे जाते हैं एंड वेव्स के फॉर्म में ऊपर जाते हैं, उनमें करेक्शन भी आती है फिर ऊपर एक मोमेंटम दिखाते हैं। तो टेक्निकली बात की जाए तो इट्स वेरी मच पॉजिटिव। टारगेट्स मैंने बता दिए आपको, मार्केट का बता दिया कि आप मार्केट कैसे, आप मार्केट को देख सकते हैं एंड किस लेवल को देखने के बाद आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। तो आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर, सो देट वॉज ऑल अबाउट टुडे। अल्लाह हाफिज़। अगर आप हमारा व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जो कल से शुरू होने वाला है, तो आप कॉन्टेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस में कोई भी क्यूरी हो तो आस्क मी इन कमेंट्स, आई विल ट्राई टू आंसर। अल्लाह हाफिज़।